तो कैसे हैं आप सब आज की जो टॉपिक है वो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अर्थात संयोजकता बंद सिद्धांत हमारा जो चैप्टर चल रही वो है उपसाह संयोजन यौगिक इनके हमने बहुत सारे वीडियो क्लियर कर रखे जो आपको डिस्क्रिप्शन मॉपन में मिल जाएगा तो इस टॉपिक को समझने के लिए आपको क्या क्या चीज़ जरूरी है वो मैं क्लियर कर देता हूँ सबसे पहले देखो हमारे पास एक क्या है जटिल यौगिक है है ना ओके यहाँ पर जो यह सामने एफ सी लिखा हुआ है आयरण ये क्या है ये आपका केंद्रीय धातु परमाणु है मैंने पिछले वीडियो में आपको क्लियर कर रखी है ठीक है सी एन लिखा हुआ है क्या है ये लिगेंड है और ये इसका क्या है कॉर्डिनेशन नंबर है जो छह लिखा हुआ है वो ठीक है ओके अब इसी के आधार पर मैं क्लियर करने वाला हूँ बंध सिद्धांत है ना तो यहाँ पर पॉइंट में चलते सीधा तो केंद्रीय धातु परमाणु ये केंद्रीय धातु परमाणु है है ना ये आयन में अनेक रिक्त डी कक्षक उपस्थित रहते हैं इसके पास क्या रहते हैं अतिरिक्त डी कक्षक उपस्थित रहते हैं जो लिगेंड द्वारा प्रदत्त जो लिगेंड के द्वारा प्रदत्त इलेक्ट्रॉन युग्म को स्वीकार करते हैं ये तो मैंने बार बार बता रखी है आपको कि ये जो लिगेंड है वो क्या करता है इलेक्ट्रॉन युगम प्रदान करता है किसको केंद्रीय धातु परमाणु को या आयन को है ना क्यों क्योंकि इसके पास क्या होता है रिक्त डी कक्षक होता है अब आपको इसके लिए क्या जानना जरूरी है आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानना जरूरी है जैसे कि मेरे पास आयरन है आयरन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखे तो वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू है ना तो छः दो आठ दो दस दो बारह और बारह छः हो गया अट्ठारह अट्ठारह दो हो गया बीस बीस छः का हो गया छब्बीस मतलब थ्री डी सिक्स में जाता ही है है ना फोर एस स्केयर लास्ट हो गया अंतिम कोर्स फोर कोर्स हो गया ठीक है तो फोर एस स्केर और थ्री डी सिक्स और हमारे पास फोर पी तो बचा है फोर पी अभी जीरो है यहाँ पर आगे मैं बताऊँगा इसका क्या यूज़ है करके ठीक है तो आपको पता होना चाहिए कि जो फोर एस है फोर एस है उसके पास फोर पी है बाद क्या हो जाएगा फोर डी भी रहेगा तो फोर डी क्या है खाली है है ना तो डी कक्षा खाली नहीं और दूसरे तरीका से देखें तो थ्री डी सिक्स है जबकि थ्री डी कितना होता है टेन ये भी खाली है मतलब अपने पास कह सकते हैं कि डी कक्षा क्या है उपस्थित है खाली है ओके चलिए ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया किसका से हो जाता तो बन सिद्धांत का दूसरा पॉइंट में जाते हैं हम लोग इस जगह को मैं एक छोटा सा छोटा सा बात क्लियर करते हुए मैं आगे निकलता हूँ एकदम समझ आ जाएगा आपको ठीक है देखिए केंद्रीय धातु आयन ये अपने पास है केंद्रीय धातु आयन उस केंद्रीय धातु आयन में उसकी उपसहजन संख्या चलो इसकी उपसर्जन संख्या क्या है छह है ओके क्या है, है। तो केंद्रीय धातु आयन में उसकी उपसहजन संख्या के तुल्य उस आयन का उपसर्जन संख्या कितना है मारा जाए छ माना जाए ठीक है छ है ना तो उस उपसहजन संख्या के तुल्य एसपीडी कक्षक मतलब छ जाने जरूरी है अपने को कितने जाने जरूरी है छह अब क्या क्या, क्या? देखे ध्यान से ये एकदम क्लियर हो जाएगा आपको ठीक है तो यहाँ पर देखो मेरे पास एस कक्षक कितना है देखो मेरे पास यहाँ पर फोर एसिस हैं ओके कौन है फोर एसिस फोर एस का पहले कौन आता है थ्री डी आता तो था थ्री डी की पहले बात करते हैं ठीक है थ्री डी में कितने डब्बा होते हैं पांच डब्बा होते हैं आपको पता ही है डी ब्लॉक में है ना और एस में कितना दो नहीं एक डब्बा और पी में कितना तीन डब्बा ये तो आपको पता ही है ठीक है तो इस आयरन के पास जाएंगे तो यहां पर जाएंगे थ्री एस इसके बाद थ्री पी सिक्स थ्री पी सिक्स हम जाते हैं ठीक है उसके बाद क्या है थ्री पी की बात है फोरेस क्या है फोरेस तो फोरेस्ट में देखते हैं यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन फोरेस इस कह ना दो इलेक्ट्रॉन उसी तरह फोरपी में जाएंगे तो फोरपी में तो जीरो 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 है ठीक थ्री डी में जाएंगे थ्री डी में कितने इलेक्ट्रॉन है छह इलेक्ट्रॉन है थ्री डी में कितने इलेक्ट्रॉन है छह

यहाँ पर ये कौन सा कक्षक है डी कक्षक है कौन सा डी है थ्री डी है ये फोर पी है और सॉरी हाँ फोर एस है ये कहाँ पास है ये फोर एस है और ये क्या है फोर डी है सॉरी सॉरी फोर पी है क्या नाम सीखा है फोर पी इसको मैं क्लियर कर देता हूँ है ना मैं कन्फर्म था तो ये क्या अपने पास है फोर सॉरी थ्री डी है ये हमारे पास क्या है थ्री डी और ये क्या है फोर एस है और ये क्या है फोर पी है ओके तो मेरे पास यहाँ पर एक एस है क्या नाम क्या है एस है ना और यहां पर मेरे पास क्या है पी है और यहाँ मेरे पास क्या है डी है है ना तो यही एस पी डी कक्षक हैं परस्पर संकृत होंगे किसके जैसे छह के जैसे अब छ के लिए क्या यूज हो रहा है ध्यान दीजिएगा ये छह क्यों बार बार बोल रहा है सर देखिए माँ जाए मेरे पास यहाँ पर डी कक्षक तो अभी खाली नहीं है मैं खाली करके आगे जो उदाहरण उसमें बताऊंगा तो माँ जाए दो डी कक्षक खाली है है ना यहाँ एस कक्षक खाली है अभी पर बार हुआ है आगे एस कक्षक खाली है और यहाँ पर तीन पी कक्षक क्या है खाली है तो तीन तीन पी हो गया और एक एस हो गया तो तीन मिलाकर तो तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर इसका चार है मान लो जाए इसका कितना है चार है तो इसमें कौन संक्रमण हो सकता है इसमें एक संक्रमण हो सकता है एस पी थ्री क्योंकि तीन पी और एक एस को मिलाकर कितना हो गया चार यह कह सकते हैं कि डी एक डी एक डी एक एस और दो पी ऐसा भी हो सकता है डी एस पी टू दो एक तीन एक कितना हो गया चार तो उसके कोऑर्डिनेशन नंबर के आधार पर इनके जो क्या है कक्षक है वो सब क्या बनाते हैं आपका आपस में संगीत होगा संगीत कक्षक बनाते हैं अब आपके माइंड में एक चल रहा है क्या चल रहा है कि सर इसको खाली वाला बताओ आपने बोला कि दो डी कक्षक खाली या, यहाँ पर तो भरा हुआ है यहाँ पर एस यहाँ पर भी भरा हुआ है तो एस खाली वाला बताओ ठीक है तो आगे मैं उसको क्लियर करूंगा कि यहाँ पर एस खाली वाला कैसा रहेगा पी खाली पी वाली तो यहाँ पर ही रहा है आपको ठीक है अब ये एक चीज़ और क्लियर करता हूँ थोड़ा सा ना मैंने डी सामने में लिखा यहाँ पर क्यों डी सामने में लिखा क्योंकि यहाँ पर जो थ्री डी है वो उसके लिए सामने में लिखा ये ये नियम को मैं आगे बताऊंगा कि ये डी वाला क्या है ना मैं ऐसे लिख सकता एस पी थ्री डी लिखता तो एस पी थ्री डी ऐसे लिखता तो जो d यूज़ करता ना वो किसका यूज़ करता मैं फोर का यूज़ करता मैं किसका यूज़ कर रहा हूँ अभी थ्री डी का यूज़ कर रहा हूँ थ्री डी थ्री डी थ्री डी तीन का यूज़ कर रहा हूँ अगर फोर का यूज़ करूंगा तो हो जाएगा d पीछे हो जाएगा और क्या हो जाएगा एस पी थ्री डी हो जाता अब ये क्या फंडा है भाई इसको तो समझना है आपको देखो डी टू एस पी थ्री ऐसे बोला मैंने उसके बाद मैं और लिखूंगा एस पी थ्री डी टू है ना इन दोनों का फंड आगे मैं समझाऊंगा ये जो डी ले रहा हूँ ना मैं जो डी ले रहा हूँ ना वो किसका है थ्री डी का है इसलिए मैं डी को सामने ले रहा हूँ ठीक है अगर डी को मैं फोर का वाला का फोर डी का लेता तो कहाँ लिखता मैं पीछे लिखता वही मैं हम आगे हम लोग समझने वाले कि ऐसा होता क्या है थे? इसको आगे क्यों करते हैं एकदम क्लियर हो जाएगा ठीक है तो वीडियो को ध्यान देखते रहिए आगे चलते हैं तो केंद्रीय धातु आयन में उसी उपसर्जन संख्या के तुल्य उसी उपसृजन संख्या के तुल्य एस कक्षक परस्पर संकृत होकर समान संख्या में समतुल्य ऊर्जा वाले संकर कक्षक बनाते हैं ओके तो एक कक्षक बनाएगा ठीक है कौन कौन मिलकर एस और क्या है डी मिलकर हो गया जिनकी जयमिति निश्चित है जिसका जमितिस जैमैति से ना बताऊंगा मैं ठीक है ये चतुर्ष फल होता है कि टेट्रा सॉरी चतुर्ष फल होता है कि अष्ट फल होता है क्या होता है आगे बताऊंगा ठीक है ओके ये दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया तीसरा पॉइंट चलते हैं प्रत्येक लिगैंड में कम से कम एक अल्फा कक्षक रहता है लिगैंड के पास बोला जा रहा है है ना जिसमें एक अंकिल इलेक्ट्रॉन युग्म होता है अब ये एक अंकिल इलेक्ट्रॉन युग्म क्या मान जाए मेरे पास सी है कौन है सी एन सी एन को ध्यान देता हूँ ठीक है कार्बन कारण अलग अलग लिखता हूँ कार्बन और नाइट्रोजन कार्बन के भात में कौन कितने इलेक्ट्रॉन हैं चार इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने होते हैं चार और नाइट्रोजन के हम कितने होते हैं पांच होते हैं बता हम कोस में जी तो, मा तो माल ये साझा करेगा तो माल लो जाए साझा करेगा कितना साझा करेगा ये एक ये दो दो का साझा करें इसको एक और लाता हूँ सामने है ना ये तीन का साझा कर लिया ठीक है चार का भी कर सकता है ठीक है लेकिन हमारे पास आ, अभी तीन में ही क्लियर कर रहे हैं ठीक है ठीके? तो नाइट्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा दो इलेक्ट्रॉन इसके पास कितना बटना एक इलेक्ट्रॉन बचा ठीक है ये तीन तो साझा हो गया ना तो नाइट्रोजन के पास तीन साझा हो गया कार्बन का भी तीन साझा हो गया इसके पास कितना बचा एक बचा और नाइट्रोजन के पास कितना बचा दो बचा मतलब युग्म किसके पास है

लिगेंड की एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म सिग्मा कक्षक से अत्यापन ठीक है कर लिगेंड धातु सिग्मा बंड बन बनाते हैं यहां कन्फ्यूजन दूर होती है यहां कन्फ्यूजन होती है दूर कर देते हैं थोड़ा देखो है ना धातु परमाणु या आया आयन की रिक्त संकलित कक्षक यह धातु आयन है चलो मैं यहां पर लिख देता हूं धातु आयन यहाँ लिख देता हूँ मैं धातु आयन ओके है ना तो धातु एन या की रिक्त संग्रहित कक्षक इसके जो रिक्त संग्रहित कक्षक है ये क्या हम आ जाए धातु एन तब क्लियर हो गया दोनों ठीक है ऐसा कुछ है संगित कक्षक है लिगेंड के एक अंकिलुग्म अब लिगेंड के एक युग में क्या है माजा नटर्जन के पास ये है ठीक एक अंकिलुगम है सिग्मा कक्षक से अत्यापन कर से 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 सिग्मा है 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 ना से अत्यापन कर, अत्यापन मतलब जुड़ना तो ये इस ये जो जो वो वो और आयरन दोनों आपस में क्या होगा जुड़ेगा उसको बोलते हैं अत्यापन, क्या बोलते हैं जुड़े, दोनों जुड़ेगा तो, तो यहां पर धातु आयन की रिक्त है, के रिक्त संकृत कक्षक है कक्षक है सब रिक्त रहेंगे आगे देखना ठीक है यहाँ पर भरा हुआ बताया था मैंने ना वहां पर सब क्या रहेगा रिक्त रहेगा कौन कौन रहे? जो भाग है, तो है, लिगेंड 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 है उस लिगेंड के एक अंकिलुगम है उसके अल्फा कक्षा सॉरी सॉरी सिग्मा कक्षा सिग्मा कक्षा से अत्यापन कर है ना लिगेंड धातु सिग्मा बॉन्ड दोनों के बीच क्या है सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं ठीक है ये क्लियर है अपने को है ना पांचवा जब संकरण में पांचवा क्लियर करते हैं कि जब संकरण में केंद्रीय धातु आयन का डी कक्षक प्रयुक्त होता है केंद्र धातु आयन का डी कक्षक प्रयुक्त होता है है ना तब ये डी कक्षक आंतरिक डीकक्षक अथवा बाह्य डीकक्षक हो सकते हैं देखिए इसको भी छोड़ो अभी इसको क्या मतलब है इसको नहीं है ना इससे भी मतलब नहीं अभी क्या बोल रहा हूँ मैं कितना पहले समझो कि जब संक्रमण में केंद्रीय धातु आयन है ना केंद्रीय धातु आयन कौन है आयरन है केंद्रीय धातु आयन का डीकक्षक प्रयुक्त होता है तब इसका कोई भी डीकक्षक प्रयुक्त होगा किसका आयरन का है ना तब ये डीकक्षक आंतरिक डीकक्षक आंतरिक कक्षक इसको मत देखू ना आंतरिक कक्षक अथवा बाह्य कक्षक हो सकते हैं अब अब यही चीज़ क्लियर करना है एकदम क्लियर हो जाएगा देखो वन एस स्क्र टू एस स्क्र टू पी सिक्स थ्री एस स्क्र थ्री पी सिक्स फोर एस स्क्र थ्री डी सिक्स फोर पी ज़ीरो अब फोर पी अगर बाद फाइव एस आ जाएगा फाइव एस के बाद आगे आते जाएगा तो फोर डी तो आएगा ना कहीं पास फोर डी तो आएगा ही ना उसको मैं बता रहा हूँ ध्यान सुनना ठीक है अब मैं क्या क्लियर कर रहा हूँ कि जब संक्राम में केंद्रीय धातु एन का डी कक्षक प्रयुक्त होता है ये केंद्रीय धातु एन का कौन सा कक्षक यूज होगा डी कक्षक इसमें कौन कौन सा डी है थ्री है और क्या है फोर है तो डी कक्षक यूज होगा तब ये डी कक्षक आंतरिक कक्षक अब आंतरिक कौन है देखिए ये पहला कोष ये दूसरा कोष यहाँ पर बनाता हूँ ये पहला कोष ये दूसरा कोष ये तीसरा कोष पहला कोष में क्या है पहला कोष एक दूसरा कोष ये तीसरा कोष एक कौन सा है चौथा कोष ठीक है चौथा में फोर रहेगा तीसरा में थ्री रहेगा है कि नहीं है ना तो अगर मैं आंतरिक कोश यूज करता हूँ थ्री वाला कोष यूज करता हूं कक्षक, कक्षक, ठीक है? और कक्षक किसको बोलेंगे फोर डी का यूज करेंगे या आगे फाइव डी का यूज करेंगे कुछ भी जितना इस तत्व के आधार पर ठीक है तो थ्री का मैं यूज कर रहा हूं तो उसको क्या लिखता हूं मैं एन माइनस ये जो एन मतलब है कक्षक है ना ठीक है ओके एन मतलब क्या है कक्षकों की संख्या तो आपको मैंने समझा रखी है कि एन माइनस डी मतलब क्या है उसका आंतरिक कक्षक है देखिए बाहतम कक्षक फोर है ना तो एन माइनस वन डी लिखा हुआ मतलब क्या है वो थ्री डी कक्षक है थ्री डी क्या है आंतरिक कक्षक है. है ना अगर यहाँ पर फाइव डी होता फाइव डी होता तो यह बोला एन माइनस वन डी किसका होता फोर डी का होता तो फाइव डी क्या हो गया बाया है ना तो हम दोनों का यूज कर सकते हैं हम लोग थ्री डी यूज़ करेंगे तो अभी मैंने यही क्लियर किया ना थ्री डी टू एस पी थ्री और डी एस पी थ्री डी टू क्यों लिख रहा हूं अगर हम लोग आंतरिक कक्षक यूज करेंगे तो इसको लिखेंगे डी टू एस पी थ्री और अगर हम लोग बाह्य कक्षक यूज करेंगे तो लिखेंगे एस पी थ्री डी टू समझे तो बाह्य कक्षक कौन सा है ये फोर डी वाला बाह्य कक्षक है है ना आंतरिक कक्षक कौन है थ्री डी वाला आंतरिक कक्षक है समझ आया आपको ओके आगे चलते हैं ठीक है ठीके? तो एन बराबर बाह्यतम कक्ष यहाँ पर लिखा हुआ है बाह्यतम कक्ष एन बराबर कौन सा कक्ष है तो शुरू में बताया था आपको ठीक है तो ये आपके पास है वीबीटी है कौन है वीबीटी अब मैं कुछ और पॉइंट क्लियर करता हूं है ना छठवा नंबर का पॉइंट और ये जो पॉइंट है आपको एकदम सिंपल समझना ज्यादा कुछ नहीं है ठीक है हाँ मान लो जाए यदि संकुल में जो पूरे संकुल है उसमें संकुल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो कौन से इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो तब यहां संकुल होते हैं अब आप इसको तो हम पढ़ पढ़ चुके हैं पहले अध्याय में अगर कोई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो तो क्या है अणुचुमकी होता है है ना किंतु यदि संकुल में कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं हो तो क्या होता है यह प्रति होता है यह बात तो क्लियर है आपको प्रति होता है ठीक है तो इतना क्लियर कर लेते हैं अब हम लोग चलते हैं उदाहरण में और इसी उदाहरण के आधार पर आपको क्लियर करना है चलिए अब हम लोग समझते हैं उपसहसंयोजन संख्या 6 वाले संकुल है ना मतलब VBT इनको हम लोग उदाहरण के आधार पर समझेंगे सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक उदाहरण हेक्सासायनोफरेट 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 है ना और ये थड़ा एन इस उदाहरण के आधार पर हम लोग क्लियर करने वाले हैं ठीक है आ, VBT को तो इसके लिए आपको क्या क्या जानना जरूरी है वो क्लियर कर देते हैं थोड़ा सा है ना चलिए जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर छः है आपको बताया था मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर छः है उसके आधार पर इस दो तरह से संकरण बनेंगे डी टू एस पी थ्री और एस पी थ्री डी टू है ना जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर चार है उसमें दो प्रकार से संक्रहण होंगे डी एस पी टू और एस पी थ्री ये तो क्लियर है आपको है ना अब ये कैसे होता है ये अभी समझोगे आप है ना और यहाँ पर मैं और क्लियर कर देता हूँ कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या है इन्नर ऑर्बिटल ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स अर्थात आंतरिक कक्षक संकुल और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है ना ये दोनों क्या है ये सबसे बहुत बड़ी बात है कि इसको आप समझ जाए तो सब समझ जाएंगे ठीक है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है ना चलिए इसको मैं बीच में बताऊंगा समझना कि ये दोनों क्या बताता है ये दोनों यही बताता है कि d2 sp3 आएगा कि sp3 d2 आएगा ये दोनों जन यही बताता है ये ये इसके लिए है ना ठीक है अब ये क्लियर मैं तब करूंगा जब आप उदाहरण क्लियर करोगे कर ठीक है सबसे पहले हम लोग उदाहरण लेते हैं साइनोफेरेट इसमें पहला पॉइंट लिखना आप जो केंद्रीय परमाणु है केंद्रीय परमाणु एफ है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना है ये जी है ठीक पॉइंट नंबर टू देखते हैं कि एफई जो एफ ई है मतलब जो इसका परमाणु छब्बीस है है ना उस परमाणु के जो बहतम कोश हैं के कक्षक बहतम कोष कक्षक बहतम कोष इसका परमाणु देखिए बहतम कोष कौन है फोर एस ये यह है? है ना उसके पीछे कौन है थ्री डी है देखिए पहला तो फोर एस में भर रहा है लेकिन थ्री पी के बाद कौन आता है थ्री आता है आपको पता है लेकिन आब्बो के नियम के अनुसार में पहले ट्रॉन भरते हैं है ना तो थ्री तो है हमारे पास चलिए तो मेरे पास कौन है पहला थ्री है कितने डब्बा के साथ है पांच डब्बा आपको तो पता ही होगा ठीक है ओके उसके बाद थ्री डी बाद कौन है फोर है कौन है फोर के बाद क्या है अपने पास है फोर पी पी में कितने डब्बा तीन डब्बा ओके तो इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन भर देते हैं पहले थ्री में कितना है छेलेक्ट्रॉन एक दो तीन चार पांच और ये है। ठीक उसी तरह फोर में कितना ट्रॉन दो और फोर पी क्या है खाली है ठीक है ना ये फोर और ये थ्री डी सिक्स है।, है अब बात ये करते हैं हम लोग इसको लिखने की जरूरत नहीं होती है ठीक है आ, तो थ्री डी लिखना फोर और फोरपी ये है, है ना तीसरा पॉइंट में देखिए पॉइंट नंबर थ्री कि एफ ई यहां पर इसका ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन नंबर कितना है प्लस थ्री मतलब इसने कितने ठीक है टू कर देते हैं इसमें क्वेश्चन टू दिया है तो ओके टू ये टू है है ना प्लस टू अब यहां पर क्या करते हैं हम लोग यहां पर मैं थ्री लिख दिया था प्लस टू है ठीक है ये, ये पुराने वाले का है, एमिन है, एमिन क्रोमिन का लिखा था ना? तो साइनोफेरेट है उसका तो ये टू है ठीक तो है तो प्लस टू ऑक्सीडेशन नंबर वाले हैं ओके okay. मतलब एफी के पास छब्बीस इलेक्ट्रॉन थे उसमें से दो इलेक्ट्रॉन डोनेट हो गया तो कितना ट्रॉन बचा चौबीस इलेक्ट्रॉन बचा है ना मतलब ये जो ठीक okay. तो है सेकेंड अवस्था में कक्षक है ना परमाणु के बाहत कोष के कक्षक तो ये हो गया अब इस अवस्था में कक्षक क्या है पास? मेरे पास थ्री है है ना और कौन है अपने पास है फोर है और कौन है अपने पास है फोर और आगे जाओगे आगे जाओगे तो मेरे पास और कौन है आगे फोर डी भी है है ना तो उसका हम बाद देखेंगे ओके तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है एक दो तीन चार डब्बा पांच डब्बा ठीक है इसमें ओके इसमें तीन डब्बा यहाँ पर कितना टन दो लट्रॉन तो गायब हो गया क्योंकि यहां पर ए प्लस बन गया ठीक है तो कितना टन बचा एक दो तीन चार पांच और ये है ना ओके अब हम लोग थोड़ा से एक चीज क्लियर करते हैं बहुत अच्छी तरह से क्लियर होगा यहाँ पर बात मेरी है ना कि इस जगह यहां पर मुझे थ्री इसको मैं थोड़ा थोड़ा और बड़ा कर देता हूं एक दो इसको मैं दूसरा कलर में लिख लेता हूं ज्यादा क्लियर होगा एक दो तीन चार पांच और ये छे इलेक्ट्रॉन है।, है ना और फोर वाला क्या है खाली है और फोरपी वाला भी क्या है खाली है ये फोर एस है फोरपी है अब ध्यान दीजिए अब मैं ये बताने वाला हूं सी एन और ये ओ किसको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है ना अब ध्यान दीजिए कि मेरे पास एक लिगेंड है सी एन ठीक है ये जो सीएन लिगेंड है वो प्रबंध लिगेंड क्षेत्र प्रदान करता है ये जो इस पूरे हैं क्षेत्र है ना ठीक है ना प्रबंध लिगेंड क्षेत्र ही है है ना तो है वो प्रबल लिगेंड क्षेत्र स्थापित करता है या प्रदान करता है ठीक है उसी तरह अगर ऐसा लिगेंड जिसमें कौन हो हेलोजन हो या तो कोई ऑक्सीजन क्या करता है इलेक्ट्रॉन युग में प्रदान करता है इसमें हेलोजन करता है।, मत कौन? F है वो जी क्लोरिन है, क्लोरिन वो सब है और ऑक्सीजन में जैसे एच टू है कौन है एच टू है ना और सी एन जिसमें सी एन है जिसमें नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन देता है या तो कार्बन इलेक्ट्रॉन देता है जैसे कि एन एस ठीक है जो भी है इसमें है ना एन ओ टू इसमें कौन देता है नाइट्रोजन या तो ऑक्सीजन है कि नहीं तो यहाँ पर नाइट्रोजन दे रहा है तो जो नाइट्रोजन और कार्बन ये देगा जो इलेक्ट्रॉन देगा वो वाला जो लिगेंड है वो लिगेंड क्या है आपका प्रबल क्षेत्र प्रदान करने वाला है और प्रबल क्षेत्र प्रदान करने वाला जो लिगेंड है वो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करता है ध्यान ध्यान दीजिए दीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो प्रबल लिगेंड क्षेत्र प्रदान करने वाले जो लिगेंड है ना वो लिगेंड क्या करता है इलेक्ट्रॉन का युग्मन करता है मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है देखो एक दो तीन चार चार है ना अकेला है इसको युग्मित करा क्या कराते हैं युग्मित तो देखो ध्यान से कि इलेक्ट्रॉन चला जाएगा का इलेक्ट्रॉन चला जाएगा यहाँ तो ये कैसे हो जाएगा ये ऐसा हो जाएगा देखो तो ये हो जाएगा दो इलेक्ट्रॉन सामने में उसका दूसरे में दो इलेक्ट्रॉन और तीसरे में दो इलेक्ट्रॉन और दो चार दो क्या हो जाएगा खाली दो क्या हो जाएगा खाली ठीक है तो जो खाली हुआ और यहाँ पर तो एक खाली है ये है ना और ये तीन वाले भी खाली है ओके तो जो खाली हुआ कौन है दो डी है डी टू है और एक एक क्या है एस और एक क्या है तीन पी आगे लाइन में डी में, टू एस पी थ्री तो मैंने सामने डी इसलिए लिखा क्योंकि क्योंकि ये क्या है आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है किसने फोर एस के बाद फोर पी फोर की फोर डी तो फोर डी वाले को नहीं ले रहे हैं इसमें क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया युगमित हो गया क्यों युगमित हुआ क्योंकि ये क्या था ये क्या था आपका ये प्रबल क्षेत्र लिगेंड है प्रबल क्षेत्र प्रदान करने वाले क्या है लिगेंड है ठीक है ना ओके तो यहां पर क्या होगा ये युग्मित कर दिया जिसके कारण यहाँ जो डी क्लास है वो क्या होगा खाली हो गया तो यहाँ पर ये संक्रमण भाग ले लिया तो डी टू एक लिया और तीन क्या लिया पी लिया इसीलिए हम लोग देखते हैं डी टू एस पी थ्री अब आप समझ गए होंगे तो एस पी थ्री डी टू कैसा होता होगा कि जब यहां पर इस वाले लिगेंड की जगह कोई ये वाला लिगेंड हो जाता है 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 ना ये वाला लिगेंड हो जाता है। तो होता क्या है कि यहां पर जो इलेक्ट्रॉनिक युग्मन नहीं हो पाता है और यह पूरा रहता है ठीक है अब होता क्या है कि हमको फोर एस फोरपी के बाद क्या आता है फोर डी तो यहां पर फोर डी लेना पड़ेगा मुझे क्या लेना पड़ेगा फोर डी लेना पड़ेगा है ना फोर डी नहीं मिल रहा है ठीक है मा जाए तो अगर थ्री आ, फोर पी में संतुष्ट हो, हो रहा है तो अभी बात करेंगे हम लोग नीचे की ओर फोर पी तक एस पी थ्री में करेंगे जिसमें डी की आवश्यकता नहीं होती है ठीक है वो लेकिन वो कॉर्डिनेश नंबर चार में होगा कॉर्डिनेशन नंबर छः में तो अपने को डी लेना ही लेना है ठीक है तो हमको क्या करना है फोर डी लेना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा आगे फोर डी उसको मैं ही बताऊंगा आगे ठीक है तो ये पहला उदाहरण क्लियर हो गया आपको इतना तक लिखना है ठीक है अब इतना लिखने के बाद यहाँ पर आप संकेत दर्शा दीजिएगा ऐसे है ना वाला चित्र इस दोनों चित्र को बना देगी ठीक है अब होता क्या है आगे देखिए तीसरे तीन पॉइंट हो गया ना ये चौथा पॉइंट चौथा पॉइंट में देखते हैं क्या होता है कि यहाँ पर एफ ई सी एन सिक्स फोर माइनस संकुल आयन के कक्षक क्या है देखो तो यहाँ पर कितना डब्बा है पांच डब्बा था यहाँ पर ठीक है ना पर कितना डब्बा एक डब्बा यहाँ पर कितना डब्बा तीन डब्बा ठीक है तो ये किसका कक्षा है ये सब किसका है आयरन का है किसका है आयरन का आपको पता होगा कि आयरन है आयरन के ओर कौन रहता है कौन लगा इसमें सी एन लगा हुआ है ना तो सी एन मतलब यहाँ पर ये दो ये दो और ये दो ये सब किसका है आयरन का है अब दो कक्षा खाली तो इस दो कक्षा में खाली में कौन आएगा कौन आएगा आपका ये जो सी एन है वो इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ पर जो आया वो है सी एन माइनस सी एन माइनस Cn एन माइनस सी एन माइनस सी एन माइनस और सी एन माइनस मतलब यहां पर जो मैं इलेक्ट्रॉन डाल रहा हूं वो सब इलेक्ट्रॉन किसका है सी एन का है, है ना और यही पर हम लोग क्लियर करेंगे क्या डी टू एस पी थ्री संकरण ठीक है अब मैंने आपको बताया था कि जो वीबीटी वो क्या बताता है इसकी जैमिति बताता है इसका अनुचुमकी होना बताता है या प्रति होना बताता है तो इसको मैं लिखूंगा नहीं मैं थोड़ा थोड़ा क्लिक करके कर बता रहा हूं जिसको आपको सुनकर लिखना है है ना ओके तो यहाँ यहाँ लिखना यहाँ जो संकुल आयन है उस संकुल आयन की जो ज्यामिति है वो अष्टफल की होगा क्या होगा अष्टफल की होगा अब कैसे अष्टफल की भैया चलो देखो मेरे पास बीच में आयरन है है ना? सीएन, सी एन, इधर सी, एन, इधर सी, एन इधर सी एन एक ऊपर सी एन और एक नीचे सीएन आप समझते होंगे कैसे थोड़ा से पेन बता देता हूं ये हो गया चार पेन इधर से ये तो क्लास में बार बार समझा चुका हूँ आप लोगों को ठीक है और एक ऊपर ऐसे ऊपर और एक आएगा नीचे इसके नीचे आप नीचे नहीं बना सकता ठीक है तो ऐसी है है ना तो वैसे में ओके इस चारों को ऐसे जोड़ेंगे एक साथ ठीक इसको यहां से ले जाएंगे इसके साथ ले जाएंगे इसके साथ ले जाएंगे और इसके साथ ऐसे बताते नहीं इसको मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ ठीक है ये और ये यार वाला इसमें नीचे में यार नीचे में तो वो चार फलक ऊपर बनेंगे चार फलक नीचे में बनेंगे है ना मंदिर ऊपर बनेगा मंदिर नीचे में बनेगा ठीक है तो क्या होता है अष्टफल की यहाँ पर लिखोगे कि संकुल आयन की जैमिति अष्टफल की होता है ठीक है यहाँ लिगेंड यहाँ जो लिगेंड है कौन है लिगेंड वो लिगेंड के रूप में लिगेंड के रूप में कौन होता है सी एन, एन माइनस है है ना और कौन है ये प्रबल लिगेंड क्षेत्र प्रदान करने वाला लिगेंड है ठीक है सी एन माइनस है अतः अतः फेरस आयन के मतलब इसके ठीक है फेरस आयन के एन माइनस वन डी कक्षकों का इलेक्ट्रॉन क्या होगा युग्मित होगा हुआ ना क्यों क्योंकि ये प्रबल है ये कौन प्रबल है सी एन तो ये एन माइनस एल डी मैंने बताया था आपको थ्री डी के लिए यूज करेंगे किसको यूज करेंगे तो ये एल माइनस डी है है ना और यहाँ पर जी ये आला दिख रहा है ठीक है ओके तो एन माइनस वन डी कक्षक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा युग्मित हो जाएगा अतः अतः संकुल आयन की प्रकृति प्रतिचुंबकीय होगा प्रति चुंबकीय होगा देखिए मैंने आपको बताया था किस लिए पढ़ते हैं हम लोग इसकी जानने के लिए इसका गुण जानने के लिए और आपको बताया गया था प्रति चुमकी कौन है ठीक है जिसमें कोई नहीं है। सब जने युग्मी थे ना सब जन युग्मी थे मतलब क्या है प्रति चुमकी मतलब उसमें कोई अयुग् त्रटॉन नहीं है प्रति चुमकी होगा ठीक है ज्यामिति अष्टफल की हो गया ठीक है अतः ये इन्नर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है मैंने आपको बताया था इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्यों क्योंकि इतना पूरा लिखना है, है ना और यही चीज मैं आगे और समझाने किसमें फोर वाले में ठीक है है ना तो फोर वाले के लिए बहुत टाइम है तो अभी हम लोग चलते हैं दूसरा उदाहरण में ठीक है तो दूसरा उदाहरण के लिए हम लोग देख लेते हैं सीओ एपसिक्स मतलब ये क्या है कोबाल्टेट है ना ये थर्ड आयन के साथ है अब वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स था अब इसमें मैं इसलिए इस उदाहरण को इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि ये आउटर है आउटर ठीक है चलिए ध्यान दीजिए पहला में पहला फिर वही पॉइंट रहेगा है ना कोबाल्ट परमाणु है ना इसका सत्ताईस होता है है ना के बाहतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चलिए ये तो क्लियर हो गया क्या तो कोबाल्ट परमाणु है उस कोबाल्ट परमाणु के जो बाहतम कोष है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो इस तरह से होगा कोबाल हम लोग देख लेते हैं सत्ताईस है ना आ, अब लिखने की हो सकता नहीं होती तभी लिख लेते हैं वन एस स्क्र टू एस एस स्क्र टू पी सिक्स थ्री एस स्क्र थ्री पी सिक्स फोर एस स्क्र थ्री डी कहाँ तक जाएगा उसको देखते हैं है ना तो छः चार दस दस दो बारह बारह तो छह अठारह उन्नीस बीस और हो जाएगा सत्ताईस थ्री डी सेवन थ्री डी क्या हो जाएगा सेवन है ना तो ये तो क्लियर हो गया इसको लिखना नहीं है इसको रफ में लिख देना ठीक है।, है उसका देखते हैं हम लोग इसमें क्या क्या होगा कि इसके पास थ्री है थ्री है ना अपने पास थ्री है कितने डब्बे रहेंगे आज इसको मैं जल्दी से बता रहा हूँ क्योंकि पिछले वीडियो में तो पिछले जो उदाहरण उसमें उस आपको क्लियर समझ आ गया होगा ठीक है और ये हो जाएगा आपका एस के लिए है ना थ्री फोर एस के लिए और ये हो जाएगा आपका फोर पी के लिए फोर पी में कितना इलेक्ट्रॉन है ना उसको देखेंगे आगे और ये हो जाएगा आपका ये एक्स्ट्रा कर रहा हूँ ये फोर डी बताया था ना आपको है ना ये आउटर वाला है अब देखिए ध्यान क्या ध्यान से है ना कि इसमें इसके पास थ्री डी है उस थ्री डी में कितना इलेक्ट्रॉन है सात इलेक्ट्रॉन है एक दो तीन चार पाँच छः सात है ना और एस में कितना इलेक्ट्रॉन है फोर एस में दो इलेक्ट्रॉन फोर पी क्या है खाली है है ना था नहीं है मेरे पास और फोड़ी भी तो खाली है अब अपने को करना क्या देखिए मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको सॉरी पिछले वीडियो बोल रहा हूं बार बार आ, मतलब इसके पीछे मैंने बताया था फ्लोरिन एक लिगेंड है तो आपको बताया था ऑक्सीजन और हेलोजन ये क्या करता है इलेक्ट्रॉन को युग्मित नहीं कर पाता है मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ युग्मित नहीं होगा ठीक है तो सी बस युग्मित करना है ना मतलब क्योंकि ये प्रबल लिगेंड क्षेत्र प्रदान करता है अब ये नहीं करता है तो युग्मित नहीं होगा तो मुझे तो डी क्लास चाहिए चाहिए ना तो क्या होगा एस यहां से ले लेंगे ठीक है पी यहाँ लेंगे तो डी यहाँ लेंगे तो इसी से लेंगे हम लोग ठीक है तो सभी सब कक्षक क्या है खाली है दूसरा पॉइंट देखिए तो सी ओ थ्री प्लस आयन के कक्षक है ना इसमें ऑक्सीडेशन नंबर कितना है थ्री है ना ठीक तो ये हो जाएगा आपका थ्री डी में आ, एक दो तीन चार पाँच एस में एक डब्बा और थ्री में तीन डब्बा और सॉरी फोर भी में तीन डब्बा है ना ये थ्री डी है क्या और ये फोर डी है पाँच डब्बा ओके तो तीन इलेक्ट्रॉन गया ना ऑक्सीडेशन नंबर थ्री तो तीन इलेक्ट्रॉन गया मतलब अपने से तीन इलेक्ट्रॉन निकाल लेना है ये फोर एस में दो इलेक्ट्रॉन था क्या ठीक है वो निकल जाएगा और इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा सॉरी यहाँ से निकल जाएगा ठीक है यहाँ पर डबल हो गया ना यहाँ से युग्मित होते होते आ रहा है ना जी तो युग्मित वाला पहले निकालते हैं ठीक है तो ये एक दो तीन चार पाँच और ये छः हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए और इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया क्योंकि है प्लस थ्री है ना ठीक है ये निकल गया अब देखो तो मेरे पास एक एस बचा और मेरे पास एक दो तीन तीन पी बचा और इधर देखो अब यहाँ पर मेरे पास डी है ही नहीं ही नहीं क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन युग्मित नहीं हुआ क्योंकि क्या है जो फ्लोरीन है कौन है फ्लोरीन यहाँ पर जो लिगेंड फ्लोरीन है ना वो है प्रबल लिगेंड क्षेत्र प्रदान नहीं करता है यहाँ पर नहीं कर तो यहाँ पर मुझे लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा तो डी टू लिखना है।, तो है, है बात ठीक है ये क्लियर हो गया सबको ठीक है तीसरा पॉइंट में चलते हम लोग है ना सी ओ थ्री प्लस में दुर्बल लिगेंड कौन सा लिगेंड दुर्बल लिगेंड कौन है एफ के कारण एफ ना फ्रोइन के कारण 3D कक्षक में इलेक्ट्रॉन में युग्मन नहीं हो पाता है ना अतः संकरण के लिए संकरण के लिए कक्षक का है ना उपयोग किया जाता है उपयोग किया जाता है ओके तो यहाँ लिख दीजिए आप लोग क्या लिख देंगे है ना यही चौदह पॉइंट है एक दो तीन चार पांच ये छह छह डी में है और ये एस का हो गया और ये पी का हो गया और ये डी का कितना हो गया पाँच डब्बा होता है ना तो एक के भाग लिया है ना, और दो डी भाग ले लिया इतना हो गया ठीक ये चौथा नंबर की स्टेप को सी ओ एफ सिक्स थ्री माना संकुल आयन के कक्षक के कक्षक कौन कौन से कक्षक है भाई बस वही फिर बनाना है बार बार और क्या है है ना ये दो ये हो गया एक एक यहाँ पर एक डब्बा खाली दो डब्बा तीन डब्बा खाली और यहाँ पर यहाँ पर कुल पांच डब्बा है बट अपने को क्या करना है एक दो तीन चार पाँच हो गया ठीक है तो यहाँ पर कितना भाग ले रहा है इतना भाग ले रहा है क्या तो इसमें हम लोग लिखेंगे ऊपर में F माइनस F माइनस F माइनस और F माइनस यहाँ पर कितने एफ माइनस रहेंगे तीन एफ माइनस रहेंगे यहाँ पर एक रहेंगे ठीक है इलेक्ट्रॉन में ये दो इलेक्ट्रॉन ये दो इलेक्ट्रॉन ये दो इलेक्ट्रॉन ठीक ये दो इलेक्ट्रॉन और ये दो इलेक्ट्रॉन ठीक है तो इसलिए क्या होता है कि कोबाल्ट बीच में है और आयरन कितने हैं छह जगह है एक दो तीन चार पांच चार। ठीक है ज्यादा हो गया क्या ओके है ना अब हम लोग लास्ट स्टेप में चलते हैं इसको यही यही बताना है ना ये हमारा मेन पॉइंट है कि इस संकुल की इस जो संकुल है उस संकुल आयन की जामिति पहले बताना है ना कि जामिति होती है अष्टफल की होती है ये तो क्लियर हो गया क्या तथा देखिए उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अ प्रति बल थे उसमें पिछले वाले में ठीक है लेकिन इसके बाद अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है क्या है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ठीक है और जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है है ना आपको अभी मैंने पी, जस्ट पिछले बताया था जिसके पास हमारे पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है है ना वह अनुचुमकीय होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है तो इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ना तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मतलब क्या हो गई अनुचुमकी तो तथा यहाँ अनुचुम्बकीय प्रकृति का होता है प्रकृति का होता है ठीक है यहां f माइनस दुर्बल लिगेंड क्षेत्र प्रदान करता है मैंने बताया था यह दुर्बल दुर्बल लिगेंड क्षेत्र प्रदान करता है अतः थ्रीडी कक्षक भाग नहीं लेंगे मतलब एन माइनस वन डी कक्षक भाग नहीं लेंगे नहीं लेंगे थ्री कक्षक या इसी को बोलते एन वन d डी डी वे कक्षक भाग भाग नहीं लेंगे यहाँ एन डी कक्षक भाग लेंगे ठीक है ना तो यहाँ एस पी थ्री डी टू संकरण होंगे व ऐसे संकुल आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहलाता है ठीक है ये हो गया मेन पॉइंट है ना तो इस तरह से आपको क्लियर कर लेना है है ना ये हो गया कोऑर्डिनेट्स नंबर सिक्स के आधार पर ठीक है अब हम लोग चलते हैं कॉडनेशन फोर के आधार पर इसको मैं एकदम जल्दी जल्दी जल बताऊंगा ठीक है कॉडेसम नंबर फोर के आधार पर है ना हमारा पहला हम लोग उदाहरण ले लेते हैं टेट्रा कार्बोनिल टेट्रा कार्बोनिल निकिल यह हो जाएगा एन आई सी ओ फोर टेट्रा मतलब फोर ये जीरो है मतलब चार्ज है ना तो अपने बहुत स्टेप बाई स्टेप बस देखना है और कुछ ज़्यादा कुछ तो नहीं है है ना पहले स्टेप में देख लेते हैं है ना निकिल के परमाणु कक्षक किसके निकिल के ठीक है अब निकिल के लाभ को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना पड़ेगा ये जगह छः चार दस दो बारह छः अट्ठारह उन्नीस बीस और बीस अठा अट्ठाईस निकल कर अट्ठाईस होता है ठीक है है ना अब इस जगह थोड़ा बात करते हैं आ, इसके पास डी है ना ओके डी है कितना ट्रॉन भरा हुआ है डी में पांच डब्बा होता है थ्री डी है पी और डी ठीक है और यहाँ हम लोग बात करेंगे आठ इलेक्ट्रॉन एक दो तीन चार पांच इसको ऐसे बनाना है आप लोग कैसे वाला ठीक है ऐसे एक तरफ इसका ध्रुवन को दर्शाता है वो ठीक है तो मैं तो सीधा सीधा बता रहा हूँ एक ये देखो छः दो आठ हो गया ना फोर एस में कितना है दो इलेक्ट्रॉन है फोर भी जीरो इधर फोर डी भी जीरो अब यहाँ देखते हैं हम लोग एस पी थ्री आता है देखिए मैंने आपको बताया था एस पी थ्री या तो डी एस पी टू ये दोनों में से आएगा है ना तो देखते हैं क्या आता है सबसे पहले हम लोग बात करते हैं थोड़ा से कोर्डिनेशन नंबर चार है नंबर है? चार है मान लो जाए यहाँ निकिल का ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पर देखते हैं तो निकिल के लिए ऑक्सीडेशन नंबर कितना है यहाँ पर लिखा हुआ है जीरो यहाँ पर तो कोई है जीरो है मतलब जीरो के लिए मतलब कोई इलेक्ट्रॉन अपने पास क्या नहीं हो रहा है खर्च नहीं हो रहा है ठीक है ओके चलिए तो इसके लिए देखते हैं है ना यहाँ एक नोट लिख लेंगे नोट यहां पर क्या होता है कि संकरण के पूर्व है ना तथा बंध निर्माण के लिए फॉरेस्ट इलेक्ट्रॉन है वो ये जो फॉरेस्ट इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन थ्री डी कक्षा में व्यवस्थित हो जाते हैं मतलब ये कि यहाँ ये खाली हो जाएगा ठीक है आगे बताऊंगा चित्र में है ना तो एन आई ओ एस पी थ्री कक्षक के लिए क्या होगा फॉर एस खाली हो जाएगा कि उसकी इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा ठीक है ओके okay, तो ये हो जाएगा दो दो चार दो तीन छः यहाँ इसको तो रहना दो पहले छः को यहाँ पर सिंगल सिंगल था यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन यहाँ गया तो क्या हो जाएगा ये अभी डबल डबल हो जाएगा है ना अभी ये खाली हो गया अब फोर एस खाली हो गया और फोर पी भी खाली हो गया और मेरे पास है अपने पास है फोर डी ये भी खाली हो गया अब यहाँ मेरे पास खाली ये नहीं है जगह नहीं है ठीक है अब होता है क्या है कि इसमें संकरण में भाग है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है चार उस चार के आधार पर क्या होगा एक, एक एस और तीन क्या है पी या तो होगा एक डी एक एस और दो क्या हो सकता है पी हो सकता है लेकिन ये डी कब होगा जब यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉन भाग लेगा तो इसका इलेक्ट्रॉन तो भाग नहीं रहा है डी वाला भाग नहीं रहा है ठीक है तो कौन भाग रहा है एस एक एस और तीन क्या हो जाएगा पी तो यहाँ आ जाएगा आपका एस पी थ्री क्या हो जाएगा एस पी थ्री एस पी थ्री संकरण ठीक है तो यहाँ लिखेंगे एन आई सी ओ फोर के एस पी थ्री संकरित कक्षक इसके लिए आप लिखेंगे सेम इसी को लिखेंगे ऐसे ये जगह लिखने जगह डॉलर नहीं एक यहाँ पर पी वाले कितने हैं तीन डब्बा तो एक पीम कौन आएगा जो जुड़ेगा वो आएगा कौन जुड़ा है कोबा सीओ कार्बोनिल यहाँ कौन आएगा कार्बोनिल यहाँ कौन आएगा कार्बोनिल यहाँ कौन आएगा कार्बोनिल ठीक है तो उसके कितने कितने लट्रा दो 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 ये हो गया कंप्लीट ठीक है अब यहां का लिखना है अपने को सिंपल से बताना है कि इसकी ज्यामिति इसकी ज्यामिति क्या होती है चतुषफल होता है, है ना चतुष्फल की मतलब चार फलक वाले ना निखिल कौन है CO, सी ओसो चार हैं, ठीक है ओके तो ये संरचना आपको पता होगा हम लोग एसपी थ्री संक्रमण आपको पढ़े आप पढ़े होंगे एसपी थ्री संक्रमण क्या होता है एक दो तीन तीन नीचे एक घने ऊपर रहता है तो ये से बनाएंगे जब सोचना इसको इसका जोड़ेंगे इसका जोड़ेंगे नीचे जोड़ेंगे तो कितने फलक प्राप्त होते हैं चार फलक प्राप्त होते हैं ग्यारह आप पढ़े होंगे चतुर्ष फल की क्लियर नहीं हो रहा है क्या आ, कैसे बनाया जाए इसको देखो कैमरा के स्टैंड देखे ना कैमरा के स्टैंड वैसे रहता है ठीक है ऐसा तो ये वाला पॉइंट किसको जोड़ूंगा इसमें ऊपर में ये वाला जो पॉइंट है उसको इसके साथ जोड़ूंगा ये वाला पॉइंट इस है तो सब तरफ ना एक फलक मंदिर दिख रहा है मंदिर दिकना से प्राप्त होता है तो तीन फलक ऊपर प्राप्त होंगे एक फलक नीचे प्राप्त होंगे चतुर्ष तो तो के होंगे ठीक है ओके अब यहाँ पर होते हैं इसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन युग यहाँ पर सभी जाने क्या है युग्मित है क्या है युग्मित और जो युग्मित हो क्या है प्रति है यहाँ प्रति है प्रकृति का होता है ठीक है ओके इतना दिखते ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं ठीक है दूसरा अपने पास चलते हम लोग आ, निकिल साइनो आ, टेट्रा टेट्रा साइनो निकलेट में चले जाते हैं बस वही फिर सिचुएशन। सिचु, सिचु सबसे पहले है पहला पॉइंट डालोगे निकाल के, के परमाणु कक्षक पहले टर्निंग नास्ते यहाँ पर निकाल दिया मैंने पहला पॉइंट के परमाणु के कक्षक है ना तो कौन कौन मिलेगा थ्री डी मिलेगा इसमें भी सेम एसिच ठीक है और क्या लिखेगा फोर एस मिलेगा और कौन मिलेगा फोर मिलेगा मिलेगा तो तीन हाँ ठीक दोन इधर दोन इधर दोन दो, इदर, दो, दो, दो ती अच्छा हो गया सात और आठ हो गया अरे हो गया दोल्टन इसमें एक खाली है और फोर डी भी खाली है फोर डी की आवश्यकता नहीं होती है तब भी लिख देता हूँ मैं कोई दिक्कत नहीं है ना अब होता क्या है पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट देखिए निकिल टू प्लस आयन के कक्षा का वहाँ पर निकिल जीरो था निकिल जीरो था याद रखिएगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना था जीरो था ठीक है तो जितना ट्रॉन था उतना ट्रॉन को लिखा गया था ठीक है और यहाँ का में क्या स्थापित किया गया कि था अब यहाँ पर क्या बोला जाते निगिल टू प्लस आयन है मतलब दो गायब दोन गायब मतलब कौन गायब हो गया फोर इज गायब हो गया ठीक है उसमें फोर एस को इसमें डोनेट किए थे ना और फोर इस गायब हो गया तो निगिल टू आयन के कक्षक तो निकिल प्लस आयन के कक्षक में क्या हो जाएगा वो हो जाएगा ए दो दो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन और ये तीन इलेक्ट्रॉन सॉरी दो तीन अच्छे हो गया सात हो गया एक हो गया आठ आठ ही निर्णय दो ठीक है और चौथा वाला क्या हो जाएगा खाली और फोर फोर पी भी क्या हो जाएगा खाली फोर एस भी खाली हो जाएगा ठीक है फोर डी के हो सकता है नहीं है ना दूसरा पॉइंट मिलकर हो गया आपको ठीक है ना ओके तीसरा पॉइंट भी चलते हैं तीसरा निकिल टू प्लस आयन में सी एन माइनस लिगेंड की उपस्थिति सीएस माइनस लिगेंड की उपस्थिति में पुनर्व्यवस्था करने पर पुनर्व्यवस्था कैसे करेंगे आपको पता है कि यहां पर लिगेंड क्या है प्रबल प्रबल लिगेंड है ना अपने पास कौन है सीएन है ना कहां पर से जी सीएन तो सी एन क्या करता है युगमित कर देता है क्या इलेक्ट्रॉन को तो ये इसको क्या करेगा युग्मित कर देगा ठीक है युग्मित कर देगा तो क्या प्राप्त होगा अपने को ये प्राप्त होगा ये पहला दो, दूसरा भी दो तीसरा भी दो और चौथा हम एक एक था ना पाँचवा हम तो ये इसमें आ जाएगा तो हो जाएगा डबल और ये आ जाएगा खाली कद तो ये एक एस खाली है फोर एस खाली है और अपने पास पी खाली है फोर पी ठीक है और यहाँ पर क्या अपने पास है थ्री डी है क्या ये हाँ अब आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर तीन पी है और एक एस है और एक डी है तो तीन पी को फिर नहीं जोड़ देना है क्योंकि इसका कॉर्डिनेशन नंबर कितना है चार और कॉर्डिनेशन नंबर के आधार पर ही बनता है तो चार के लिए मुझे कितना चाहिए चार डब्बा चाहिए एक डब्बा दो डब्बा तीन डब्बा और चार डब्बा ठीक है तो थ्री में एक डी एक एस और दो क्या हो जाएगा पी तो इस संकरण का नाम हो जाएगा डी एस पी टू संकरण ठीक है ये इन्नर, वा, इन्नर वाला हो जाएगा ठीक है अब यहाँ पर तीस तरह चौथा पॉइंट में लिख देंगे निकिल सी एन फोर ठीक है टू अ टू माइनस आयन के कक्षक उस आयन के कक्षक तो उस आयन के कक्षा क्या होंगे सिंपल टॉपिक स्टेप्स देख लीजिए ये हो जाएंगे दो इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन और ये दो इलेक्ट्रॉन ठीक है ये डी हो गया ये हो गया आपका फोर एस ये हो गया फोर पी है ना तो यहाँ सब जन मिलाएगा क्रिया करेगा यहाँ से जी यहाँ से पेदोल्ट्रॉन पेदोल्ट्रॉन यहाँ पर, 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 पर यह किसका इलेक्ट्रॉन है ये सी एन का है सी एन एक सी एन दो सी एन तीन सी एन चार ठीक है ओके इस तरह का इसका भी डिटेल लिख देते हैं इनकी संरचना इनकी संरचना ठीक है वर्ग समतलीय होता है क्या होता है वर्ग समतलीय ठीक है वर्ग समतलीय मतलब क्या देखो तो ये निकिल है निकिल के चारों कौन है सी एन है कौन है सी एन इसको एम सी लिख देता जगह ये देखो तो इसकी रचना वर्ग समतली वर्ग क्या है समतल है यहाँ पर कोई ऊपर नीचे नहीं है जैसे कि यहाँ पर एस पी थ्री मैसा होता था, था ना ठीक है इसमें डरते वर्ग समतली इसकी रचना क्या होती है वर्ग समतल होती है दूसरा पॉइंट में लिख देते हैं अपना ये इसमें युग्मित है क्या युग्मित है सभी जन युग्मित है आपका प्रतिचुंबकीय क्या होता है प्रति चुंबकीय इस तरह से कम्प्लीट वीबिटी ठीक है थीके?